और तुमने इन्हें समझाया नहीं, होनी को कोई टाल नहीं सकता। इंसान बड़ा कमजोर होता है, जिससे प्यार करता है उसकी तकलीफ देखकर टूट सा जाता है। ऐसे में उसे संभालना बहुत जरूरी होता है। पंचम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। आप जानती हैं, जब से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, इन्होंने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। हाँ माँ जी, हमने तो आपके लिए महालक्ष्मी जी के मंदिर में आरती भी करवाई, हवन करवाया, और उन्होंने तो गरीबों को खाना भी खिलाया है माँ जी, लेकिन अब तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं छुआ। इंसान वाकई बहुत कमजोर होता है माँ जी। जब आपको आईसीयू में होश नहीं आ रहा था तो हमें तो लग रहा था कि हम सब अनाथ हो गए हैं। भगवान करे कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आपका साया हमारे सर पे से कभी ना उठे माँ जी। अरे क्या कर रही हो ललिता? किशोर समझाओ ना इसे। रो लेने दो माँ, इसे रो लेने दो। अब तक हमें संभालते संभालते बहुत थक गई है बेचारी, रो लेगी तो मन हल्का हो जाएगा इसका। चुप हो जा ललिता, लेखा शांत करो ना इसे। भाभी चुप हो जाइए ना, वरना मैं भी रो दूंगी। डैड चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं। दादी माँ हम लोग बाहर हैं। तू क्यों जा रहा है बाहर? जाने दीजिए दादी माँ, वरना पूरा अस्पताल ये समझेगा कि आपके ठीक होने पर हमें भी इतनी तकलीफ हो रही है। क्या कहा? हमें माँ के ठीक होने की तकलीफ हो रही है? अरे ताऊ जी आप तो बात का बुरा मान गए, लेकिन मैं तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे खुशियों के बादल ही गरजे हैं। तभी अचानक ताई की आंख भी सूख गई है। लेकिन ताऊ जी इस थाली में भरे हुए प्रसाद को देखकर कोई बाहर से कैसे समझ पाएगा कि ताई जी दादी के ठीक होने पर खुशी से इतनी बावली हो गई कि सुबह सुबह भाग दौड़ कर जो उन्होंने हवन किया था उसी पूजा का प्रसाद दादी माँ को खिलाना भूल गई। वो तो कुछ और ही समझेंगे ना। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, आंखें कभी कभी हमें धोखा दे जाती हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना दादी माँ? बिल्कुल नहीं बेटा, ये सच है। इसलिए डैड हम लोग बाहर चलते हैं। बड़ा शैतान है पंचम, ज्यादा शैतान है। इतने बड़े पाखंडी मैंने आज तक नहीं देखे। हिम्मत तो देखो उनकी, मेरे ही सामने ड्रामा कर रहे थे, मेरे सामने, जैसे मैं उनकी असलियत जानता ही नहीं। एक बार तो जी में आया कि इनकी पोल यहीं खोल दूं, लेकिन तूने ही मुझे रोक लिया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना डैड? गलत तो कुछ नहीं किया बेटा, तब अगर मैं उनकी पोल खोलता ना तो वो लोग उसी वक्त वहां तमाशा खड़ा कर देते और उसकी वजह से माँ को बहुत तकलीफ पहुंचती। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। वाह पंचम बेटा, वाह वाह, क्या ट्रेनिंग। लेकिन क्रोध के साथ साथ इंसान को अपनी जबान पर भी काबू रखना चाहिए, डोंट यू थिंक सो?
हाँ, क्योंकि जब जबान जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती है तो नाक की तरह डसने लगती है। और नाक की पूरे साल में एक दिन पूजा होती है, सिर्फ एक दिन, बाकी के 364 दिन वो निशाने पर रहता है। भाई साहब, आप धमका रहे हैं मेरे बेटे को। अरे भाई साहब, आप भी ना, अब देखिए, जैसे कभी कभी आंखें धोखा दे जाती है ना, वैसे ही कभी कभी कान भी धोखा दे जाते हैं। अब हम तो समझा रहे थे और आप उसे धमकी समझ बैठे। हाँ, अगर ऐसा समझते हो तो ठीक है, ये भी समझ लो कि कुत्ते की पूंछ पर बार बार पांव रखोगे तो एक बार वो पलट कर काटेगा जरूर, और तब कुत्ते को दोषी नहीं ठहरा पाओगे तुम। समझ गए मेरे भाई? एक बात आप भी समझ लीजिए भाई साहब, कि दोष कुत्ते का हो या ना हो, लेकिन लोगों के निशाने पर हमेशा कुत्ता ही होता है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल है। नेकी और रुसवाइयां परछाई बन के आपके पीछे पीछे चलेंगी। माया छाया एक सी, बिरला जाने को, भक्ता के पीछे फिरे, सन्मुख भाजे सो। ऐसे तो कोई देखने नहीं देगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है। हवाने दो, हवाने दो, हवाने दो। पंचम, पंचम फर्स्ट क्लास पास। यस चिराग, यार चिराग पास क्लास, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, एक मिनट। हेलो, हाँ राहुल, हाँ मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? हाँ बस मैं आ रहा हूँ, रिजल्ट देख रहा हूँ। ओके बाय। रिया, सायरा, राहुल, ये पास, पास, यस। इसे बंद रखो वरना चिड़िया इसमें अपना घोंसला बना देगी। ओ हेलो। अबे उधर क्या देख रहा है, इधर देख। हेलो हाय। अच्छा ये बता कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसका क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है। इसका मतलब हम सब जस्ट पास और पंचम फर्स्ट क्लास। यस। क्या बात कर रहा है, मैं पास हो गया। अरे मैं पास हो गया यार। अरे एक्सक्यूज मी। आज की इसी अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट के लिए मिस्टर राहुल अभी इसी वक्त कैंटीन में हम सबको ट्रीट करेंगे। यस मैन, ऑफ कोर्स, लेट्स गो राइट नाउ। लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। आज तो ट्रीट चाहिए यार राहुल। ट्रीट, ट्रीट, बिल्कुल। टुडे इज योर ट्रीट। अन्ना कैसे हो? एब्सोल्युटली फाइन है जी। अन्ना क्या साफ कर रहे हो? ये तुम्हारा एक काम का चीज है, बराबर देखो, ध्यान से देखो। लेकिन अपना क्रेडिट भी हर साल तो चलता ही है ना। व्हाट्स द बिग डील यार? अन्ना भी ना। What a hot medal, yaar. Yeah.
अबे तू कहाँ जा रहा है? पता नहीं, तू चुपचाप बैठ यार। मुझे मालूम है कहाँ जा रहा है, ये भंवरा उस कली के चक्कर लगाने जा रहा है कि नहीं? करेक्ट, आई हैव नेवर सीन ब्यूटी लाइक दिस। क्या? हाँ, तेरी नजदीक की नजर इतनी कमजोर है ये मुझे मालूम नहीं था। क्या? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मीरा, 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 तुम्हारे लिए एक बुरी खबर, तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में हो गया। That's great यार, thank you so much। पंचम, ये तो रंजीत को कर रही है यार। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है बाबा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इससे प्यार हो गया, ये तो मेरी है यार। क्या? लो, अभी तक जान पहचान हुई नहीं, नाम तक पता नहीं और प्यार हो गया। आजकल तो ऐसे ही होता है, दिस इज जेट एज यार। नाम का क्या, वो तो मैं कभी भी पता कर लूंगा। कभी क्यों, अभी पता कर तो माने। अभी अभी लगी 500-500 रुपए की। 500-500 की, राइट हुआ। वो भी सिर्फ मेरी तरफ से। अगर ये लव बॉय उस लड़की का नाम पूछकर आ जाए तो मैं इसे 500 रुपए दूंगा। ओके ओके ओके, निकाल के रख, अभी पूछ कर आता हूँ। आज ये जरूर पिटेगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगी? अच्छा बता रहा हूँ, क्या करना है? A day with you, एक पूरा दिन तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम और मैं। रंजीत, one full day, just a day, एक पूरा दिन। Okay रंजीत, मैं तुम्हें एक नहीं, बल्कि दो पूरे दिन देती हूँ। Okay? क्या? तू सारा दिन इसके साथ गुजारोगी? रंजीत, 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 एक मिनट, एक मिनट। तुमने अपना नाम क्या बताया? चिराग। हाँ चिराग, मैं रंजीत के साथ एक दिन बताऊं या दो दिन, इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? वो नहीं, वो है, ऑब्जेक्शन है। ये सब चीजें हमारे कॉलेज में नहीं चलती है कि नहीं? मालूम नहीं। वो उनको मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम है ना, नहीं चलती तो नहीं चलती। तो अभी चलेगी, क्योंकि मैं जो आ गई हूँ, और अगर नहीं चली तो मेरा नाम मीरा नहीं। क्या 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 कहा? मीरा। नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कहा? मीरा। रंजीत चले। जितनी सुंदर है उतना ही उसका नाम भी सुंदर है। ओए, सपने से बाहर आ जा, वो गई उसके साथ। पता है, लेकिन नाम बता के गई है। चल यार, पैसा निकल यार। ओए ओए, ठहर यार, दे रहा पैसे, मरे क्या जा रहा है? नाम तो वो पूछ कर आया। ट्रू यार। हाँ ठीक है, टेक इट आउट नाउ। मरे जा रहा है पैसों के लिए। ये ले। ओहो, एक दो तीन चार पांच, बहुत अच्छा लग रहा है। चिराग। यस। मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा प्रोग्राम क्या है अब? वेल, मेरे पास पैसा तो आ गया, क्यों ना हम सब लोग फिल्म देखने चले। वाओ, ग्रेट। पंचम चलते हैं। चलो। तुम लोग पिक्चर के लिए जाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? किस लिए? मैं तुम लोगों को बता नहीं पाया, दादी माँ बहुत बीमार हो गई थी, उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, बट शी इज फाइन। अरे तो हम भी तेरे साथ चलते हैं यार। नहीं, इस वक्त रहन दो, अगर तुम लोगों को आना है तो शाम को आ जाना, वैसे भी वो ICU में है और शायद इस वक्त वो रेस्ट कर रही है। ओ मिस्टर मल्होत्रा, अगर मीटिंग इतनी अर्जेंट है तो आप उनसे कह दीजिएगा कि 4 दिनों के बाद कर लेंगे, और अगर वो ज्यादा जिद करे तो बोल दीजिएगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके क्या हुआ जी? अजी कुछ नहीं, वो मेरे मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा का फोन था, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स बहुत जरूरी मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो आइए ना। कैसी बातें कर रही हो राशि, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जया जी, माँ जी की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है, और कुछ ही देर में उन्हें ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, और मैं हूँ ना, और थोड़ी देर में पंचम भी आ जाएगा, इस तरह काम का नुकसान करने की कोई वजह नहीं है।
वो बात तो ठीक है राजश्री, लेकिन 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 छोड़िए और हुआ ये, आते हुए काम को ठुकराना ठीक नहीं जाए जी। मैनेजर से कहिए कि आप आ रहे हैं। ठीक है मैम, चल गया था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अशोक जी, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बिजनेसमैन का डेलीगेशन सिलेक्ट किया गया है जो 15 दिनों के लिए कुछ ऐसे देशों के दौरे पर जाएगा जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काफी अच्छा मार्केट है। और इस बिजनेस डेलीगेशन में एक नाम आपका भी है। बाय द वे, जाना कब है? कल। कल? जी हाँ। आई एम सॉरी सर, मैं कल नहीं जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ सर, मैं कल नहीं जा सकता। मिस्टर अशोक, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। सर मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देखिए मेरे मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा ने आपको बताया होगा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक होकर घर नहीं आ जाती मैं कहीं बाहर नहीं जा पाऊंगा सर। आई एम सॉरी, थैंक यू। एक मिनट मिस्टर अशोक, पैसा कमाने का मौका बहुत कम बार दस्तक देता है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर शाम तक इरादा बदले तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं अपने फैसले नहीं बदला करता, क्योंकि मेरी नजर में माया मां से बड़ी नहीं है। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कथि कहे कबीर। अब मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है, लगता है मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। हाँ आपकी रिपोर्ट्स भी यही कह रही है। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि हम मिस्टर अशोक माँ जी के एक दो टेस्ट और करवाने हैं, इसलिए कल का दिन और इन्हें यही रुकना पड़ेगा जी। फिर परसों आप इन्हें इत्मीनान से घर ले जा सकते हैं। रियली? ये ली। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। टीना बेटा राजश्री कहाँ है? वो मासी दादी के लिए सूप लाने गई है। और पंचम? पंचम घर पर ही होगा पापा। एक मिनट। हेलो। हेलो पंचम बेटा। बेटा एक खुशखबरी है बेटा, डॉक्टर साहब माँ को परसों यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। सच डैड? हाँ बेटा सच बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, चंद्रा को बोल के माँ के कमरे की अच्छी तरह से सफाई करवा दे। माँ को घर आने के बाद किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गया? ओके बाय बेटा। नहीं ये नहीं हो सकता, अशोक के घर माँ को किसी सूरत में नहीं जाने देना है। एक बार माँ अशोक के घर अगर चली गई तो समझो खुशियां हमारे घर से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगी। नहीं, माँ को किसी कीमत पर हमें यहां अपने घर लाना होगा, और वो यहां आएगी आएगी। लेकिन अगर अशोक ने प्लान किया है कि वो माँ को ले जाएगा तो क्या आपको लगता है कि अशोक माँ को यहाँ आने देगा? जानता हूँ ललिता कि वो मुझे नहीं लाने देगा, लेकिन मुझे तो किसी भी हालत में माँ को यहाँ इस घर में ही लाना है।